तो हेलो गाइज, वेलकम बैक बाइक टेक। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं TVS की एंटॉर्क 125 XT के बारे में, जिसमें आपको 6 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। इसका टॉप मॉडल है, आपको इसमें काफ़ी बेहतरीन ग्राफिक्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं और एक स्मार्ट कनेक्ट के साथ ये बाइक आ जाती है XTEC, यानी कि आपको एक्स्ट्रा फीचर्स आपको टेक्नोलॉजी इसमें देखने को मिल जाती है। तो आप फ्रंट में देख सकते हैं इसका एंटॉर्क लिखा हुआ आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी ग्राफिक्स आपको ऑरेंज कलर में काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं। TVS का लोगो मिलता है, टी शेप में आपको DRLs मिल जाते हैं फ्रंट में भी और रियर में भी आपको मिलते हैं। बाकी ऊपर की तरफ इंडिकेटर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, लो बीम हाई बीम इसकी, तो काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पे ब्राइटनेस नाइट में देखने को मिल जाता है। बाकी ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, तो फ्रंट में आप इसका मडगार्ड ब्लैक कलर में देख सकते हैं, साइड में आपको येलो कलर के थोड़े से मडगार्ड के साइड में आपको कलरिंग देखने को मिलती है। बाकी वाइजर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर मिलता है। इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में मिल जाते हैं। TVS का लोगो मिलता है। 130 mm के आपको ड्रम मिल जाते हैं और टायर की साइज़ आपको फ्रंट में 180/12 की काफ़ी चौड़ी टायर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे इसका लुक आप देख सकते हैं, एंटॉर्क आपको 3D में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। 125 की बैजिंग आपको मिलती है, XTEC का लोगो आपको मिल जाता है। बाकी पीछे की तरफ ग्रैबरल्स आपको मिल जाते हैं और CVTi का लोगो यहाँ पर सिस्टम भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर आगे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं इसके इंजन की, यहाँ पे आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SI एयर कूल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है, जिसकी मैक्स पावर आपको 9.38 PS पर 7000 RPM आपको मिल जाता है। वही इसका टॉर्क आपको 10.5 Nm का, जो कि 5500 RPM का मिल जाता है और 124.8 cc का आपको इंजन मिलता है। इसमें आपको 3 वाल्व मिल जाते हैं और आप देख सकते हैं पेट्रोल में आते ही एयर कूल मिलता है, ऑटोमेटिक आपको मिल जाती है, फ्यूल इंजेक्शन सिंगल सिलेंडर आपको इसमें मिल जाता है। तो इंजन काफ़ी दमदार मिलता है, इसमें पावर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है और ये कहे जाए तो एक रेसिंग बाइक भी आप कह सकते हैं इसको। लेंथ आपको 1861 mm की मिल जाती है, वही इसकी चौड़ाई 710 mm की मिलती है। हाइट आपको 1164 mm की मिल जाती है और इसका कर्व वेट आपको 118 kg का मिलता है। फील बेस आपको 1285 kg का मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 155 mm का मिलता है। वही फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 5.8 L की मिल जाती है। मीटर कंसोल आपको इसमें डिजिटल मीटर मिल जाता है और इसमें ढेर सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और डबल डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। रियल टाइम माइलेज, सर्विस रिमाइंडर, सारे काफ़ी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। कार स्पेशली ये बाइक रेसिंग के लिए बनाई गई है, रेसिंग के लिए नहीं कह सकते बट रेसिंग टाइप ही बाइक है। इसमें काफ़ी पावर आपको देखने को मिल जाता है और इसकी एवरेज की बात करें आपको 47 का एवरेज आपको पर लीटर में मिल जाता है। वही इसकी टॉप स्पीड की अगर बात करें तो इसमें 98 mph की आपको हाईएस्ट टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। रियर में आपको 110/80/12 का टायर देखने को मिल जाता है। अलॉय व्हील्स मिलते हैं, ऑडोमीटर स्पीडोमीटर आपको सारे डिजिटल मिलते हैं। कि फ्रंट सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन मिलता है और रियर में आपको कॉइल स्प्रिंग विथ हाइड्रोलिक डैम्पर्स मिलते हैं। सीट आपको ड्यूल टोन में मिल जाते हैं कि या ग्रे कलर में स्टिकर्स मिलते हैं। 125 की बैजिंग मिलती है। पीछे टेल लाइट आपको मैंने बता दिया, दोनों साइड रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं और आप देख सकते इस बाइक का लुक रेसिंग टाइप लुक आ जाता है, जो आपको काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड करती है कंपनी। तो बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइस आपको एक शोरूम 1,12,000 की देखने को मिल जाती है। वही अगर ऑन रोड की प्राइसिंग की बात करी जाए तो ये बाइक आपको 1,22,000 से 1,25,000 तक ऑन रोड आपको मिल जाती है। आप भी अपने नियरेस्ट सिटी में इस बाइक का प्राइस जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। मिलते हैं ऐसे यूजफुल ब्लॉग्स में, तब तक के लिए देखते रहें।